हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह अलीबाग से मुंबई आते हुए हम एक जगह पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, नियर पनवेल करनाला बर्ड सेंचुरी विच इज गो ग्रीन नर्सरी। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस और मैंने सोचा कि आपके साथ ये मेरा अनुभव ज़रूर शेयर करूं। तो आइए, जैसे ही आप गेट में एंटर करेंगे वैसे ही आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि आप किसी खूबसूरत ग्रीन वर्ल्ड में आ गए हैं। आप जिस तरफ भी देखो आपको सिर्फ खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स नज़र आएंगे और पेड़ और पौधे नज़र आएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे मैन मेड लैंडस्केप्स नज़र आएंगे। जैसे आप देख रहे हो ये सिटिंग एरिया या ये ग्लास जो ट्रांसपेरेंट है जिसमें जैसे नीचे से पानी नज़र आ रहा है। मैं बात करते रहूँगा और आप देखते रहिएगा। ये भगवान जी है। आप देखिए हर एक चीज, छोटी छोटी चीज इतनी बारीकी से सजाई गई है, इतनी खूबसूरती से रखी गई है कि आप शायद सोचेंगे कि मैं नर्सरी नहीं शायद किसी आर्ट गैलरी में आया हूं। ये मेरा आपसे वादा है। अब ये छोटी सी चीज देखिए, पेड़ के नीचे ये बैठने के लिए इतनी खूबसूरत और प्यारी जगह बनाई गई है। यहाँ पर बैठ के आप आनंद ले सकते हैं इस माहौल का, कुछ चाय कॉफ़ी मंगा कर पी भी सकते हैं पैंट्री से, जो इनका एक रेस्टोरेंट है और वो भी बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर छोटे छोटे पंछी, उनकी गूंज भी सुनाई देगी आपको, उन्हें ढूंढना पड़ेगा लेकिन इन छोटे छोटे प्लांट्स में। और ये आप जो देख सकते हो वही पैंट्री रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ, बहुत ही दिल से सजाया हुआ ये रेस्टोरेंट है। ये जगह, इस तरह की जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। बहुत सारे फाइव स्टार्स में मैं गया हूँ लेकिन अगर मैं इसे रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 7 स्टार रेस्टोरेंट कहूँगा और उसकी मेरी कुछ खास वजह भी है जिस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं नर्सरी की तरफ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत ही अलग अलग तरीके के, हर तरीके के पेड़ और पौधे यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनको ग्रो किया गया है, आपके लिए रेडी रखा गया है। आप इनको ऑब्वियसली खरीद सकते हैं, लेके जा सकते हैं और प्यार से इनको बढ़ा सकते हैं। ये एक खासियत है यहाँ की बॉन्साइज, बहुत अलग अलग तरीके के बॉन्साइज बहुत प्यार से बढ़ाए हुए और प्यार से रखे हुए हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और हर एक जगह इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि आपको, मैं बार बार कहूँगा, ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी नर्सरी में या किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे आप कुछ खरीदने आए हो। आपको ऐसा लगेगा, आपको ट्रीटमेंट भी ऐसे ही मिलेगा कि आप बस आओ, देखो, निसर्ग का आनंद लो और आनंद से चले जाओ। अगर आपको कोई इच्छा हुई तो आप खरीद सकते हैं और ना तो कोई बात नहीं। दिस इज़ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, शायद आपने कहीं देखा होगा। और ऐसे हजारों खूबसूरत आर्ट क्राफ्ट्स आपको हर जगह नज़र आएंगे जिनको शायद आपको ऐसे लगेगा कि हर एक चीज़ मैं अगर ले सकूं तो मैं लेना चाहूं, तो संभाल के रहिएगा। ये कुछ और थोड़े बॉन्साइज है जो आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए हुए, कुछ ट्विस्टेड फॉर्म्स में। तो यह था बॉन्साई का सेक्शन। और यह है अपने शो प्लांट्स जो हर जगह पे मिल जाते हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, पर उनकी क्वालिटी में पता नहीं क्यों बहुत
फर्क नजर आ रहा था। और अब दिल थाम के बैठिए, मेरी मोस्ट फेवरेट जगह यहाँ की, नहीं ये मजाक नहीं है, आप देखिए जेंट्स टॉयलेट। कैन यू बिलीव इट, इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। आई कुडंट बिलीव माई आईज, इट इज सो नीट क्लीन एंड विथ नेचर। एक्सक्यूज मी लेडीज, बट ये रियली वर्थ है देखने लायक। ऑफकोर्स लेडीज टॉयलेट में तो मैं जा नहीं सका, बट आई एम श्योर इट्स एज मच ब्यूटिफुल एज दिस वन इज। और मैं बार बार कहता हूँ ना कि एक एक चीज इतनी सोच के बनाई गई है। इस साइन बोर्ड को ही देख लीजिए, स्प्लॉज कीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो। जस्ट रीड दिस, हैप्पी एंडिंग, इजंट इट अमेजिंग। आइए कुछ और पौधों का आनंद लेते हैं, जैसे वर्टिकल गार्डनिंग और ये खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे प्यारे पौधे फूलों वाले। आप यहां पर आए तो खो जाएंगे। ये और एक बॉन्साई बीच में रखा हुआ, और हर जगह पर आपको प्लेकार्ड्स दिखेंगे जिससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको किसी की सहारे की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों है और क्यों इस तरह से रखी गई है। Hats off to these people who have developed this concept so well. आप इस पानी की छोटी सी टंकी को भी देखिए, उस पे वारली पेंटिंग्स की कुछ काम किए हुए हैं। तो ये नर्सरी का और एक पार्ट। अब देखिए हर जगह पर आपको आर्ट क्राफ्ट नजर आएंगे छोटी छोटी बातों में। और ये सब करते हुए यहाँ पर जरा भी क्लीनलीनेस की कमी नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल वेरी वेरी क्लीन प्लेस। तो आइए अब चलते हैं हमारे पैंट्री की ओर। यहाँ पर भी देखेंगे आप, मैं क्यों इसको 7 स्टार बोल रहा था, क्योंकि खाना भी प्यार से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एंटीक्स भी रखे हुए हैं। आई कुडंट बिलीव माई आईज कि इतने ब्यूटिफुल एंटीक्स यहाँ पर है, कुछ शायद सेल के लिए भी रखे हुए। और आप देख सकते हो पुराने समय के ट्रम्पेट्स यहाँ पर है, और ये घड़ी, ब्यूटिफुल इजंट इट। और हर एक वॉल पे जो ये साइन बोर्ड है, ये हर एक चीज इतनी बेहतरीन है, हर एक मैसेज इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ कोने कोने में आर्ट की खूबसूरती नजर आती है। वी सर्व हैप्पीनेस, शेफ स्टाव फॉर प्रेज, और न जाने क्या क्या। ये और एक छोटी सी यूनिक चीज, फोक एंड स्पून होल्डर एंड फ्यू मोर साइन बोर्ड्स। दिस इज व्हाट आई मीन, किस तरह से आपको इनकरेज किया जाता है कि फूड वेस्ट ना किया जाए। और जब आप ये खाना खाकर बिल देने जाएंगे तो आपको मिलेगा मगई पान। ब्यूटिफुल वे टू एंड योर फूड जर्नी। सच कहता हूँ दोस्तों, यहाँ से निकलने का हमारा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आगे की जर्नी तो करनी है, तो हम यहाँ से निकल पड़े। पर एक मन में वादा था कि जब भी इस रास्ते से गुजरेंगे तो कुछ पल यहाँ ज़रूर बताएंगे। और ये वादा सिर्फ मैंने नहीं, मेरे वाइफ ने भी मुझसे लिया है। तो बी केयरफुल विद योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक इट। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गोग्रीन नर्सरी फॉर दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस।